हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं लाइफ इजी है चैनल पे। और पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री काफ़ी न्यूज़ में छाई हुई है अपने कुछ अच्छे और बुरे कारणों से। हालांकि अच्छा कारण अभी हमें कुछ मिला नहीं है, बुरे कारणों से ही न्यूज़ में छाई हुई है हमारी इंडस्ट्री, चाहे वो ड्रग्स को लेकर हो, नशे को लेकर के हो, या नेपोटिज़्म और गुपिज़्म को लेकर हो। अब हमारी आज की ये वीडियो इसी पर आधारित है कि कुछ नया होने वाला है यूपी में बॉलीवुड को लेके, फिल्म इंडस्ट्री को लेके। आज यूपी के मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, और उनकी अनाउंसमेंट ये है कि वो यूपी के गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा या नोएडा में, एक ऐसी वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी का डेवलपमेंट कराएंगे जो पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट होगी। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इससे लेबर्स को क्या फ़ायदा मिलेगा, जो यूपी बिहार के माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो महाराष्ट्र में जाके, बॉम्बे में जाके, हम वहाँ की बॉलीवुड इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में सपोर्टिंग का काम करते हैं या और भी किसी तरीके का काम करते हैं। अब उन लेबर्स को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको वही काम अब अपने प्रदेश में करने को मिल जाएगा, उन्हें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका फ़ायदा सिर्फ यूपी के लोगों को नहीं मिलेगा, नॉर्थ इंडिया के बहुत से लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और कई दिनों से बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर जो यूपी से बिलोंग करते हैं या बिहार या किसी और स्टेट जो नॉर्थ में पड़ता है, तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि नॉर्थ इंडिया में भी एक इंडस्ट्री को, फिल्म सिटी को डेवलप किया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी अनाउंसमेंट की, और उन्होंने आज ही इसकी रूपरेखा जारी कर दी है कि इस पर आगे कैसे काम स्टार्ट होगा, और उन्होंने गाइडेंस जारी कर दी है, मतलब डायरेक्शन दे दिए हैं अपने ऑफिशियल्स को कि इस काम को आप आगे जल्दी से जल्दी बढ़ाइए। इसी अनाउंसमेंट के साथ इंडस्ट्री के कुछ जाने माने लोगों ने योगी आदित्यनाथ के इस अनाउंसमेंट की काफ़ी तारीफ़ की है, उनको शुभकामनाएं दी हैं। इनमें से पहली हैं कंगना रनौत, जो खुद काफ़ी दिनों से न्यूज़ में बनी हुई हैं, उनके साथ चाहे अत्याचार हो, हम पॉलिटिकल बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ दुर्घटनाएँ हुई हैं, चाहे उनका ऑफिस गिराया गया है महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो उसको लेकर वो न्यूज़ में रही हैं। साथ ही रवि किशन जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं संसद में, उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की है, और अनूप जलोटा जी, जो काफ़ी नामी गिरामी सिंगर हैं, उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की है। और बेसिकली इसमें बेनिफिट क्या है कि यूपी में लोग आके इन्वेस्ट क्यों करेंगे, यहाँ पे लोग अपना स्टूडियो क्यों डेवलप करेंगे, अपना प्रोडक्शन हाउस क्यों लगाएंगे, तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी देंगे इन लोगों को जो यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो प्रोडक्शन हाउस अपना लगाएंगे, उनको इंसेंटिव जारी किए जाएंगे, इसलिए लोग इससे प्रोत्साहित होकर यहाँ पे आके अपना प्रोडक्शन हाउस डेवलप करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, अपना स्टूडियो बनाएंगे। इससे क्या होगा, आसपास का एरिया, जो ग्रेटर नोएडा के आसपास का एरिया डेवलप होगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो आसपास के लोगों को भी इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब बात कर ली हमने जॉब क्रिएशन की, तो इससे जॉब क्रिएट भी होगी, चाहे वो फोर्थ क्लास थर्ड क्लास के लेबर्स हों, या कुछ टेक्नीशियंस हों, टेक्निकल लेवल के लोग हों, या जो प्रोफेशनल्स होंगे, जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं, उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, ये बात थी हमारी आज की अनाउंसमेंट की, जो यूपी से बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि ग्रेटर नोएडा में एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी को डेवलप किया जाएगा, और ये काफ़ी अच्छी खबर है नॉर्थ इंडिया के लिए, बेसिकली सिर्फ यूपी के लिए नहीं है, और सिर्फ यूपी के लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका बेनिफिट नॉर्थ इंडिया के कई प्रोफेशनल्स को मिलेगा जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ जरूर मिलूंगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी ये फर्स्ट फेस कैम वीडियो आपको कैसी लगी। इस चैनल पर मेरी पहली फेस कैम वीडियो है। थैंक यू।